तो आज हमने फाइनमैन डायग्राम्स को यूज करना है, अप्लाई करना है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और ये यूँ समझ लें कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फाइनमैन डायग्राम्स का एक हम टूल डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह एक जो क्लासिकल वर्जन है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो आपने पढ़ी है, उसको किस तरह हमें क्वांटाइज करना है, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ फाइनमैन डायग्राम्स। तो आपने फॉर एग्जांपल पढ़ा था कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हों, लेट्स से दो इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो किस तरह एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और आप कूलम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो क्लासिकल वर्जन था, अब हम इसका क्वांटम वर्जन कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कहते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन हम ये करेंगे फाइनमैन डायग्राम्स की मदद से। और फाइनमैन डायग्राम्स का मेथड ये है कि सबसे पहले हम एक प्रोसेस को सोचेंगे कि कोई प्रोसेस हो रहा है, और जब प्रोसेस आ जाएगा फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन के बाद हम उसके लिए डायग्राम बनाएंगे, और जब डायग्राम बन जाएगा फिर डायग्राम से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल थिंग, और वो है प्रिमिटिव वर्टिक्स। प्रिमिटिव वर्टिक्स का मतलब ये है कि प्रिमिटिव का मतलब है कि बहुत ही सिंपल, और वर्टिक्स का मतलब है कॉर्नर, सोर्ट से एक कॉर्नर, ठीक है। तो ये वर्टिसेस बनेंगे डायग्राम्स के अंदर, वर्टिसेस बनेंगे, और इन वर्टिसेस ये बड़ी स्पेशल चीज है डायग्राम्स के अंदर, वर्टिसेस बड़ी स्पेशल है, वहीं पर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रिमिटिव वर्टेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहली बात तो ये देख लें कि इन डायग्राम्स में टाइम जो है वो वर्टिकली फ्लो कर रहा है। जब भी हम लेंगे तो पार्टिकल जब आएगा, इंटर होगा, तो वो वर्टिकल की तरफ जब लाइन जा रही होगी तो इसका मतलब होगा कि टाइम गुजर रहा है, ठीक है, टाइम स्टार्ट हुआ और फिर गुजर रहा है। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव वर्टेक्स है उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई क्वार्क भी हो सकता है, कोई टॉप यॉन कोई भी हो सकता है, लेप्टॉन या कोई क्वार्क, क्योंकि क्वार्क पर भी चार्ज होता है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में तकरीबन सारे चार्ज पार्टिकल हिस्सा लेते हैं, जिसमें क्वार्क्स भी हैं, यानी वो वाला सेक्टर भी है, क्वार्क वाला सेक्टर भी, और लेप्टॉन वाला सेक्टर, ठीक है, दोनों इसमें शामिल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, टॉ हो, म्यू, इन सब पे चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये हिस्सा लेते हैं। और फिर एक हमारे पास ये जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक पार्टिकल को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, जो कि फोटॉन है, जो कि मेडिएटर है इसका। तो इसमें दोनों ऑर्डरिंग शामिल है, इमिट भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है, हम कह नहीं सकते, लेकिन दोनों इसके अंदर शामिल होंगी, और फिर वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये देखिए, ये इसकी इक्वेशन है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है देखिए आया है, और फिर इलेक्ट्रॉन प्लस गैमा का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने आइदर फोटोन को एब्जॉर्ब किया है या इमिट किया है। अब इस प्रोसेस का हम डायग्राम बनाना चाहते हैं। इस प्रोसेस का डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हम पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा एक्सप्लिसिट बनाने के लिए ई भी लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप बकायदा हैवी डायग्राम्स बनाएंगे, ज़्यादा डायग्राम्स बनाएंगे, तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन लिखें, लेकिन इस केस में आप देखें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है स्ट्रेट लाइन से, और एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एरो जो है ये पार्टिकल्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखेंगे कि एंटी पार्टिकल्स के लिए फिर हम एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आया है और ये सिम्बॉलिक डायग्राम है, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसका ये मतलब नहीं, ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ये सिर्फ एक सिंबल है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये ट्रेजेक्टरी, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये फोटॉन को हम वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में मैंने एक्सप्लिसिट करने के लिए उसका सिंबल भी लिख दिया कि ये फोटॉन है। तो ज़िगज़ैग लाइन जो है वो मेडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फोटॉन के लिए है, और इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर एरो भी है ताकि पता चले कि ये एंटी पार्टिकल नहीं, ये पॉजिट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस ये वर्टिक्स, अब इस वर्टिक्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है, उसने एक फोटॉन को इमिट या एब्जॉर्ब किया और वो वापस चला गया है, यही फोटॉन, यही इलेक्ट्रॉन, ये इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव वर्टिक्स। ये बड़ा प्रिमिटिव वर्टिक्स है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस फोटॉन की इमिशन या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट हुआ, एक प्रोसेस को हमने रिप्रेजेंट किया, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव वर्टिक्स। और ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोसेस के लिए,
और फर्ज करें आप कॉम्पिटेंस कैटरिंग करते हैं या पेयर प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के लिए, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसी तरीके से प्रिमिटिव वर्टिसेस को आप आपस में जोड़ेंगे और डायग्राम्स, बड़े डायग्राम्स बनाएंगे, सही। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक रियल चीज के, बस मुलर स्कैटरिंग। मुलर स्कैटरिंग क्या है कि आपने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन पड़ी, दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, मतलब हीलियम एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आप कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फाइनमैन डायग्राम्स की मदद से हम इस स्कैटरिंग को या रिपल्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इंटर होते हैं, वो फोटॉन को इमिट या एब्जॉर्ब, एक इमिट करेगा दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा वाला इमिट करेगा कौन सा वाला एब्जॉर्ब करेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक इमिट करेगा एक एब्जॉर्ब, दोनों ऑर्डरिंग इसमें शामिल है, और फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। अब पहले सबसे, अब हमने प्रोसेस सोच लिया, हमारे पास प्रोसेस मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद हैं, वो आपस में फोटॉन इंटरचेंज कर रहे हैं, एक इमिट कर रहा है एक एब्जॉर्ब, या ये इमिट कर रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ये वाला इमिट कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसका डायग्राम कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के आपस में इंडायरेक्शन है, स्कैटरिंग है, और दोबारा वही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कोई तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ आपस में उन्होंने इंडायरेक्शन की, ये इनकमिंग है ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग पार्टिकल्स हैं ये आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं। तो इसमें आप देखें तो डायग्राम, इधर एक इलेक्ट्रॉन आप देखें, ये हमने दोनों इलेक्ट्रॉन बना लिए, अब ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, और इनके दरमियान एक फोटॉन जो है वो इमिट या एब्जॉर्ब। अब ये टू वर्टेक्स डायग्राम है, एक वर्टेक्स यहाँ पे एक वर्टेक्स यहाँ पे, टू वर्टेक्स डायग्राम, और वही प्रिमिटिव वर्टेक्स को आपने कंबाइन कर, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं मुलर स्कैटरिंग। अब ये देखिए ये एक प्रोसेस था और उसके लिए हमने डायग्राम बनाया, अब इसमें टू वर्टेक्स है उसमें एक वर्टेक्स, अगर आप देखें तो ये प्रिमिटिव वर्टेक्स है ये प्रिमिटिव, दोनों को कंबाइन किया टू वर्टेक्स डायग्राम बन गया, और इससे अब हम कैलकुलेशन, इन वर्टेक्स के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से एक नंबर कैलकुलेट, एक नंबर असाइन करेंगे और फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बात की बात है, पहले हम डायग्राम्स बनाना सीखें कि डायग्राम बनाते कैसे, राइट। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि ये फिजिकल सेपरेशन जो है ये एक्चुअल सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रेजेक्टरीज नहीं है, ये सिम्बॉलिक है, ये स्केमेटिक है, ये सिर्फ प्रोसेस का डायग्राम बना है। आप बड़े बड़े एरोस लगा दें, बड़े बड़े लाइनें लगा दें या छोटी छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट सिम्बॉलिक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, ये एक्चुअल कोई मैथ नहीं है, कोई मैथ नहीं बना रहे हैं पार्टिकल्स का, राइट। अच्छा सर हम कुछ प्रोसेसेस अभी देखते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाए कि डायग्राम कैसे बनते हैं। बस नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देख रहे हैं उसको हम भाभा स्कैटरिंग कहते हैं। भाभा स्कैटरिंग में ये है कि इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन शामिल होता है और एक पॉजिट्रॉन होता है और इन्हीलेट करते हैं और उनसे फोटॉन बनते हैं, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस अ न्यू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा वो एक इन्हीलेशन होगी ना, उससे फोटॉन बनेगा और फोटॉन फिर पेयर प्रोड्यूस करेगा, इसको वापस कहते हैं। वो जो पुराना डायग्राम हमने बनाया था ये उस डायग्राम को अगर आप उल्टा कर दें, कहते हैं कि टोपोलॉजी डिफरेंट टोपोलॉजी में इसको इस्तेमाल करें, ये अपसाइड डाउन कर, ये आप कर सकते हैं फाइनमैन डायग्राम से, बस इस तरह ये प्रोसेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने इन्हीलेट किया फोटॉन बन और फोटॉन फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसको वापस कहते हैं। और इसका अगर आप डायग्राम देखें, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां पर नोट करें पॉजिट्रॉन का एरो उल्टा है, ये पॉजिट्रॉन और इसके ऊपर मैंने ये शो किया, अब देखिए ये एरो उल्टा का मतलब ये नहीं है कि ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एंटी पार्टिकल है, तो ये इसका एरो उल्टा है, इस बात को आप देखिए। और फिर यहां पर देखिए फोटॉन है, फिर दोबारा ये फोटॉन जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन और फिर यहां पर फोटॉन, दोबारा यहां पर पॉजिट्रॉन जो है ये इसका एरो उल्टा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पॉजिट्रॉन। तो इस तरीके से हमारे पास ये भाभा स्कैटरिंग को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि दो, ये देखिए ये भी टू वर्टेक्स डायग्राम है, यहाँ पर भी वर्टेक्स है, ये वन वर्टेक्स और ये टू वर्टेक्स, टू वर्टेक्स डायग्राम है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में डायरेक्ट करके फोटॉन क्रिएट करते हैं, फिर फोटॉन दोबारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में यहाँ ये एरो उल्टी डायरेक्शन में लगाएं तो ये दोबारा वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि एक और प्रोसेस का डायग्राम हमने। सिमिलरली हम पेयर इनहिलेशन फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक थर्ड प्रोसेस है जिसको आप सोचें और उसका डायग्राम बनाएं। इसमें आप देखें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है और वो एक दूसरे को इनहिलेट करते हैं, तो उससे ज़्यादा सिंपल है। तो इसमें देखें ये इसकी पहली इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और दो फोटॉन। अच्छा पेयर उसमें इनहिलेशन में एक फोटॉन नहीं दो फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं,
तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट करें, इनके दरमियान ये जो इंटरेक्शन होती है इसको कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल। ये डायग्राम से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दो फोटॉन कि किसी भी वर्टेक्स के ऊपर एक होते हैं इनकमिंग पार्टिकल्स और एक होते हैं आउटगोइंग पार्टिकल्स। ये आप मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो इंटरेक्शन करवाते हैं उसको हम वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं। एक तरह से ये पार्टिकल जो है वो सच कुछ का नहीं होता लेकिन इंटरेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ये जो इंटरेक्शन हुई है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये वर्चुअल, तो वर्चुअल फोटोन हो सकते हैं, वर्चुअल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां पर वर्चुअल पार्टिकल इस्तेमाल। तो ये सोटो से मास शेल के ऊपर नहीं होते, हम इनको कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करते, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आखिर में फोर्सेस को, लेकिन ये मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्चुअल। तो यहाँ पर एक वर्चुअल पार्टिकल की, चाहे प्रोटॉन हो या चाहे इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक वर्चुअल पार्टिकल की वजह से ये रेडिएशन। तीसरा हम आते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में आपको पता है कि दो फोटॉन इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखे, दो फोटॉन ने इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाए। अब आपके लिए ये डायग्राम से बनाना आसान हो गया, तो आपको देखिए अब फोटॉन इस वर्टेक्स में, इनके दरमियान वर्चुअल इलेक्ट्रॉन, दो वर्चुअल इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये एरो आप नोट करें अपोजिट डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक पेयर प्रोडक्शन बनाएगा। इस तरीके से हम हर एक प्रोसेस सोचते जाएंगे और हर एक प्रोसेस का हम डायग्राम बनाते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि पार्टिकल के लिए स्ट्रेट लाइन और एरो जो है, एरो की मदद से हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या पार्टिकल एंटी पार्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे, और फोटॉन के लिए हम ये वेवी लाइन या सेक्शन लाइन। कॉम्प्टन स्कैटर, अब बहुत सारे डायग्राम्स आ रहे हैं आप देखें, तो एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन स्कैटर, और इसकी इक्वेशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन आपस में स्कैटर, और इसकी इक्वेशन आप अभी आप डायग्राम आपके लिए समझ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और फोटॉन है आपस में वर्चुअल पार्टिकल की वजह से डायरेक्ट किया है फोटॉन और टू, ये सारे डायग्राम जो है ये टू वर्टेक्स डायग्राम। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ टू वर्टेक्स डायग्राम ही पॉसिबल है, क्या इससे हायर ऑर्डर डायग्राम पॉसिबल नहीं? बिल्कुल पॉसिबल, और उनका थोड़ा सा वर्क उनकी भी देखते हैं कि वो हायर ऑर्डर डायग्राम किस तरह होते हैं। यानी इसमें ये भी हो सकता है कि टू वर्टेक्स के बजाय फोर वर्टेक्स और सिक्स वर्टेक्स और एट वर्टेक्स डायग्राम भी बन सके। और जैसे मैंने कहा था कि फाइनमैन डायग्राम्स का उसूल ये है, रूल ये है कि आपने सारे के सारे डायग्राम शामिल कर एक प्रोसेस के। अब मुलर स्केटरिंग आपको याद है, उसमें सिर्फ टू वर्टेक्स डायग्राम था, अब उसमें फोर वर्टेक्स डायग्राम भी बन सकता है, वो किस तरह? ये देखिए, मुलर स्केटरिंग में फोर वर्टेक्स, एक इलेक्ट्रॉन आया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था, वो आपस में फोटॉन को एक्सचेंज किया, तो यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन बन गया, ये वर्चुअल है, अब ये इलेक्ट्रॉन वर्चुअल है, और फिर यहां पर इन्होंने फोटॉन इंटरेक्ट किया, और फिर एक फोटॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये मुलर स्केटरिंग। अब पहले केस में मुलर स्कैटरिंग सिर्फ यहां तक थी, टू वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, टू वर्टेक्स डायग्राम सिर्फ यहां तक थी, लेकिन इस केस में आप देखें तो चूंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बन गया, वर्चुअल, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है, मतलब वर्चुअल है, और तो आप देखिए ये फोर वर्टेक्स डायग्राम, लेकिन ये भी आप शामिल करें, और इसके अलावा अच्छा सिर्फ ये फोर वर्टेक्स डायग्राम तो सिर्फ एक ये नहीं है मुलर स्कैटरिंग, मिसाल के तौर पर इसी मुलर स्कैटरिंग में एक फोर वर्टेक्स डायग्राम ये भी बन सकता है। यानी ऐसे हो सकता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसने यहाँ पर एक फोटॉन को इमिट किया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बन रहा था वो यहाँ पर गया है और इसने दोबारा इसको अब्जॉर्ब किया, तो ये तो वर्चुअल है, तो ये तो रियल लाइन में तो एंड ना आउट गोइंग में तो ये नहीं आएगा ना, तो ये डायग्राम भी शामिल करोगे, ऑल पॉसिबल डायग्राम जो आप सोच सकते हो वो सारे के सारे शामिल करोगे, फोर वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, फोर। इसकी अच्छी न्यूज ये है कि जितने डायग्राम्स के वर्टिसेस ज्यादा हो सकते जाते हैं उसकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाती है, तो हम हायर ऑर्डर डायग्राम्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली लोग जो है इसे वन लूप डायग्राम कहते हैं, लूप बन गई है, तो वन लूप डायग्राम तक जाते हैं या टू लूप तक जाते हैं, फिर हायर ऑर्डर डायग्राम जो है वो निग्लेक्ट करते हैं। तो पार्टिकल फेसेस जो होते हैं वो बेसिकली बैठ के लिए डायग्राम्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक और डायग्राम देखें, ये वाला डायग्राम तो पॉसिबल है, ये डायग्राम पॉसिबल, ये देखें यहां पर जब इस वर्टेक्स के ऊपर एक फोटॉन बना था वर्चुअल फोटॉन, फिर यहां पर इसे दो वर्चुअल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर फॉर एग्जांपल क्रिएट किया,
और फिर यहाँ पर वो दोबारा इनिशिएट हो गया और फिर वो रन कर दिया, और यहाँ पर भी बच सकता है, फिर यहाँ पर ये सेल्फ को भी लूप कर सकता है, यहाँ पर सेल्फ को लूप कर सकता है, यहाँ पर इस तरीके से तकरीबन 8 डायग्राम बनते हैं टू वन लूप, जो कि 4 वर्टेक्स डायग्राम्स इस तरह, फिर अब जाहिर बात है कि फिर 6 वर्टेक्स 8 वर्टेक्स डायग्राम्स। तो इस तरीके से अब हायर ऑर्डर डायग्राम्स को भी शामिल करेंगे, हर डायग्राम अपनी एक कंट्रीब्यूशन देगा, हर डायग्राम की अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। याद रखें कि जो ट्री लेवल है जिसमें लूप नहीं होती, टू वर्टेक्स, वो डायग्राम्स की कंट्रीब्यूशन बड़ी होती है क्योंकि वो फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट वो हर एक डायग्राम से आता है। फिर जैसे जैसे हम डायग्राम्स में वर्टिसेस ज़्यादा करते जाते हैं और हायर ऑर्डर डायग्राम्स बढ़ते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जाती है। तो एक तरह से सीरीज है, पहले सबसे ज़्यादा लीडिंग टर्म सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन देती है, फिर कम फिर कम फिर कम एंड सो ऑन। तो इसलिए हम हायर ऑर्डर डायग्राम्स को यूजुअली देख लेते हैं। लेकिन इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा काम जो है वो सिर्फ डायग्राम्स बनाना है किसी प्रोसेस के, तो नेक्स्ट शेल में अब ये है कि आप एक प्रोसेस को सोचेंगे, जैसे अभी आपने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में लिखा, आप एक प्रोसेस को सोचें कि ये प्रोसेस हो रहा है, उसकी इक्वेशन लिखें और फिर उसके लिए डायग्राम बनाएं। इसे अगले स्टेप पे हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट सिर्फ जहाँ तक डायग्राम्स क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डायग्राम्स कैसे बनाते हैं ये देखा। राइट सर, ये जो हम देखिए ना, जब आप प्रोसेस बनाएंगे ना तो प्रोसेस में जो रियल मेजरेबल चीज है वो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैलकुलेशन, और आउटगोइंग जो दरमियान में है वो सारे वर्चुअल, उनकी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप प्रोसेस को समझेंगे तो सही ना। मसलन आप मोलर स्कैटरिंग में देखें, अब फोटॉन के बीच में वर्चुअल है, दो इलेक्ट्रॉन आए आपस में फोटॉन को इंटरचेंज किया, अब आपको दो इलेक्ट्रॉन पहले मिले और दो इलेक्ट्रॉन बाद में, फोटॉन तो कहीं नहीं है, लेकिन ये इंटरेक्शन हो तो इसी की मदद से रही है ना। जब तक फोटॉन नहीं होगा तो इंटरेक्शन तो नहीं होगी, तो वर्चुअल पार्टिकल एक्चुअली इंटरेक्शन करवाते हैं, वो आप लिखेंगे लेकिन कैलकुलेशन में उनकी कंट्रीब्यूशन फिर हम नहीं लेके आते उनको, और इनको आपने वेट डिसाइन करना होगा तो वो फिर हम उसको वेट डिसाइन। नहीं नहीं ये मतलब आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टाइम को हॉरिजॉन्टल ले लो, और बहुत सारे ये कन्वेंशनल है, फिर आपका डायग्राम उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बस मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये डायग्राम फिर ऐसे हो जाए, फिर देखिए ऐसे बनाएंगे डायग्राम, एक पार्टिकल ऐसे आएगा एक पार्टिकल ऐसे आएगा, फिर आप उसमें डायरेक्शन करेंगे और ऐसे जाएंगे। हाँ स्पेसिफाई डेफिनेटली डेफिनेटली आप नहीं, मैंने शुरू में बताया था कि टाइम हमेशा अपवर्ड फ्लो नहीं नहीं, हर डायग्राम में मैंने नहीं किया, लेकिन फर्स्ट डायग्राम में मैंने शो किया था क्योंकि ये ज़रूरी है। ये अगर आप देखें तो फर्स्ट डायग्राम में मैंने यहाँ पर ये बता दिया था, अगर हम बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे ना ये देखें, मैंने यहाँ पर बता दिया था कि टाइम आप ये सब डायग्राम्स के लिए ट्रू है, लेकिन अगर आप टाइम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेंगे तो इससे प्रोसेस या डायग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो ऐसे अपसाइड डाउन हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कि डायग्राम आपने स्पेसिफाई करना होता है कि मेरी टाइम की डायरेक्शन नहीं, ये सब भी मैंने यही रखा है। लेकिन अगर आप अच्छी एक्सरसाइज है कि आप यही डायग्राम इस तरह बना लें, यानी दूसरी तरह उसमें टाइम को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लें और बना लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी मतलब है कि इससे प्रोसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम की शक्ल थोड़ी सी तब्दील आएगी, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे आएगी, वर्टिकल थी तो अब हॉरिजॉन्टल आएगी, इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कन्वेंशन है और दोनों कन्वेंशन लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक करते हैं कुछ दूसरे करते हैं, तो आपको पहले देखना होगा कि टाइम किस डायरेक्शन में। सर अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को देखें, वहाँ पर जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन चार्ज पार्टिकल तो टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंस ना ना ना, इस तरह के फार्मूले में कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, चूंकि हम तो डायग्राम बना रहे हैं ना, तो अब आपने शो तो करना है ना कि कौन सा पार्टिकल इंटर हो रहा है और कौन सा पार्टिकल आउट हो रहा है, इनकमिंग पार्टिकल, ये जो टाइम की जो आपने शो किया हुआ है ना, इसका बेसिक मकसद
इनकमिंग और आउटगोइंग में फर्क करना है कि इनकमिंग कौन से। अभी आपको इस डायग्राम से क्या पता चलेगा कि ये पार्टिकल इनकमिंग है कि ये पार्टिकल इनकमिंग है। ये तो जब आप टाइम की डायरेक्शन बता देंगे अब मुझे पता है कि ये इनकमिंग है और कौन सा इनकमिंग है और कौन सा आउटगोइंग है। मसलन किसी भी मसलन मुलर स्कैटर में देख लें, अगर मैं ये ना बताऊं तो आप क्या पता कि ये दोनों इनकमिंग है कि ये दोनों इनकमिंग है कि ये दोनों इनकमिंग है, आउटगोइंग कौन सा है और इनकमिंग कौन सा है। तो चूंकि मैंने टाइम की डायरेक्शन बताई तो मुझे पता है कि ये दो इनकमिंग है और ये दो आउटगोइंग है। तो इधर डायग्राम के अंदर जो हम टाइम की डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं वो इस मकसद के लिए करते हैं, वरना फोर्स टाइम डिपेंडेंस जो है वो इसका मकसद ये नहीं है। ठीक है।